हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे हो, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एंड एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, हम जब बोलते हैं हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा दांत फाड़ के करके हंसते रहोगे। व्हाट आई मीन इज जस्ट बी जॉयफुल बाय योर ओन नेचर, जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट बी हैप्पी, ठीक है, समझे? चलिए फिर आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर। उससे पहले आज का लेक्चर कोड जान लेते हैं हम लोग, ठीक है, सबसे पहले। और आज का लेक्चर कोड है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, एपिसोड एपिसोड 01। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप कोई भी बोर्ड हो, आईएससी सॉरी आईसीएसई या फिर सीबीएसई, कोई मैटर नहीं करता है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक गुप्ता, और आप मुझे देख रहे हैं आपके छोटे से प्यारे से बेबी से चैनल ईशा एकेडमी पे। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो वर्ड है उसको एनालाइज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है, दो वर्ड से बना है, ट्राई और जीएनओ एंड मेट्री, ठीक है। अगर इसको हम प्रॉपरली स्प्लिट कर दें तो होता है ट्राई गो, मतलब कि एंगल्स, ट्राइंगल मतलब थ्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब क्या है कि बाय द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वी मीन्स स्टडी ऑफ मेजरमेंट, MESURE, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ऑब्लिक साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कि आप पढ़ाई करोगे अबाउट ट्राइंगल कंसिस्टिंग ऑफ साइड्स और एंगल्स, ऑल मेजरमेंट करेंगे हम लोग एंगल्स और साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को लेकर, ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है सर? ठीक है, हो रहा। स्टडी फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली बात जब हम लोग एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रिग्नोमेट्री, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल ओनली टू राइट, RIGHT, राइट एंगल, ANGLED ट्राइंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी कुछ पढ़ेंगे विल बी ऑल रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, उसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना पड़ेगा। एंड हियर इस एग्जाम्पल में एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, क्लियर है। और जो बाकी दो एंगल्स हैं, ये और ये, अब एक चीज नोटिस करो कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, कितना होता है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, फॉर अ ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, थैंक यू, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑलरेडी एंगल एबीसी 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी कितना है, सॉरी एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जो रिमेनिंग एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी, उन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। कैसे, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, ठीक है।
अब अगर दो एंगल्स, कोई भी एंगल्स से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर उन दो एंगल्स को सम 90 होता है, मतलब कि दोनों को जोड़ने से अगर 90 होता है, तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये पॉइंट आप नोट कर दो, ठीक है। कब? इफ अ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है, समझना। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो इफ अगर एक एंगल, इफ थीटा इज वन एंगल, इज वन एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बोल पाओगे? अगर थीटा एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ थीटा क्या होगा? देखो ये एंगल थीटा है, एक एंगल को एक्स पकड़ लेते हैं हम, तो थीटा प्लस एक्स कितना होना पड़ेगा? अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम कितना होना पड़ेगा? 90, मतलब थीटा प्लस एक्स 90 होगा, तो एक्स कितना होगा? 90 माइनस थीटा, याद रखना। अगर एक एंगल 36 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 90 माइनस 36, कितना होगा 90 माइनस 36? 454। अगर 45 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 45, 90 माइनस 45। अगर 60 है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 60, 30। समझ में आया? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और बस एक और जगह नोट कर लो, एक और नोट कर लो, बस नोट कर लो कहीं पर, कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंटरी। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री, वही अगर 180 होगा, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और याद रखना कि फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, सिंस एक एंगल 90 डिग्री है, द रिमेनिंग टू एंगल्स मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि अगर इस एंगल को अगर हम थीटा बोल रहे हैं, तो इस एंगल को कितना बोलेंगे? 90 माइनस थीटा। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने वाले हैं। अब ये तो 90 डिग्री है, 180 में से 90 डिग्री चला गया, बचा 90, मतलब इन दोनों का सम 90 है, मतलब ये दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। अब अगर ये थीटा थी, कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इतना समझ में आपको, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। चलो उसको कॉपी कर लो, मैं मिटा रहा हूँ उसको, नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट कुछ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, मिटा रहा हूँ, चलिए मिटा रहा इसको, जल्दी से मिटा देते हैं। तो फिर अभी तक आपको समझ में आया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि जो ट्राइंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो एक स्पेसिफिक ट्राइंगल है, वो एक स्पेसिफिक ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग अब राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर कुछ और पकड़ पकड़ के उसको पकड़ के रखते हैं और पढ़ाई करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हम ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, और इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं। ये हो गया 90 डिग्री, मतलब एंगल बी है 90 डिग्री, और ये एक एंगल बन रहा है इसमें, जिसको एंगल सी बोल सकते हो, और ये एक एंगल बन रहा है जिसको एंगल ए बोल सकते हो, या फिर इसको कुछ नाम दे सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। पर हम कुछ उससे पहले कुछ बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो ये एक साइड है, ये एक साइड है, और राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है, एक एंगल है राइट एंगल, राइट एंगल जहां पर है 90 डिग्री, उसके ऑपोजिट में जो साइड होता है, राइट एंगल है, उसके ऑपोजिट में जो साइड होता है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। और ये होगी आपका हाइपोटेन्यूज, क्या है? एसी,
इसी को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये दोनों जो बचा है, किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर बोल सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। अब समझते हैं बेस किसको बोलेंगे। मान लो आप एंगल सी के बात कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, समझना बहुत जरूरी है कि किसको बेस बोलते हैं किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपके पास तीन साइड है, तीनों का नाम होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मान लो फॉर एंगल सी का बात कर रहे हैं, फॉर एंगल सी, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, एंगल सी ये है, हाइपोटेन्यूज से शुरू हुआ इस पॉइंट पे खत्म हुआ, तो ये एंगल किसके बीच में है, हाइपोटेन्यूज एंड बीसी के बीच में है। ये एंगल, ये जो एंगल है BCA किसके बीच में है, हाइपोटेन्यूज से शुरू, अगर हम अज्यूम कर ले हाइपोटेन्यूज से शुरू हुआ और बेस पे खत्म हुआ, तो इसको बोलो, अज्यूम करोगे फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी बेस क्या हो जाएगा, फॉर एंगल सी बेस होगा BC और जो रिमेनिंग साइड बच गया है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और क्या बचा है परपेंडिकुलर, AB। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। पर फॉर एंगल A, फॉर एंगल A, अब नोटिस करते हैं एंगल A को लेकर, देखो ये हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज से ये गया AB पर, हाइपोटेन्यूज और AB के बीच में ये एंगल बना है, ठीक है। तो इस एंगल का ये जो दो एंड एक्सट्रीम एंड है, एक एक्सट्रीम एंड AC को टच कर रहा है जो हाइपोटेन्यूज है, और जो दूसरा एक्सट्रीम एंड एक साइड को टच कर रहा है उसको बेस बोलेंगे। तो फॉर एंगल A, फॉर एंगल A बेस क्या है, फॉर एंगल A बेस है AB एंड परपेंडिकुलर हो गया BC। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एंगल A ये है हाइपोटेन्यूज, इसका तो एक्सट्रीम एंड है ना, कहां पे टच कर, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, और जो रिमेनिंग एक और साइड बचेगा उसको बोलेंगे बेस, और जो ऑपोजिट एंड जहां पे एंगल कोई अस्तित्व नहीं है, जहां पे कोई मैटर ही नहीं कर, इस एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ में आया आपको इतना, डन, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस देते हैं, हाइपोटेन्यूज मतलब समझ गया, बेस मतलब समझ गया, परपेंडिकुलर मतलब समझ गया, ठीक है। अच्छा, अब उससे पहले, एक शुरू करने से पहले, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो लिख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट थ्योरम है एकदम, ठीक है। और वो क्या है, वो ये बोला जाता है, मान लो हम हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट करेंगे, बेस को बी से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करेंगे, तो बोला जाता है कि सबसे पहला बात, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये पॉइंट याद रखना लोग, जो साइड सबसे बड़ा हो उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एंड स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद है आपको, पिथागोरस थ्योरम, इसको ध्यान रखिएगा, पिथागोरस थ्योरम। क्लियर है इतना, ये समझ में आया आपको, ठीक है। इस बेसिक्स हमने राइट एंगल ट्रायंगल को अज्यूम किया है यहां पर, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है, क्लियर।
तो आज हम लोगों ने आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, हम लोग छोटा सा लेक्चर बना रहे हैं। और आज का लेक्चर में हमने क्या सीखा, सबसे पहली बार ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री क्या है, द मेजरमेंट्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब जब ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल है, हर एक ट्रायंगल के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। कौन सा ट्रायंगल के एप्लीकेबल है, बस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, बस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें एक एंगल को 90 डिग्री होना पड़ेगा। अब सिंस एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है तो रिमेनिंग दो एंगल बचे हैं उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, और वैसा बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, बस इंफॉर्मेशन के लिए, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये पार्ट खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल है जो तीन साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, एक को नाम है हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। कैसे समझेंगे हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है? जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है, जो साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, डन। अब बचा हाइपोटेन्यूज, हो गया। अब बचा बेस एंड परपेंडिकुलर। अब बेस एंड परपेंडिकुलर को समझने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो किस एंगल के बारे में चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट बेस होगा और डिफरेंट एंगल के लिए डिफरेंट परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में अगर हम ये एंगल सी का बात कर रहे हैं तो ये एक एंगल सी का एक एक्सट्रीम एंड हाइपोटेन्यूज पे है, और जो दूसरा एक्सट्रीम एंड जिस साइड को टच करेगा उसको बोलते हैं बेस। इसीलिए एंगल सी के लिए बेस क्या है, बीसी। क्लियर है? और बेस अगर हो गया क्या बचा है, परपेंडिकुलर बचा, एक साइड बचा है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का ऑपोजिट वो हाइपोटेन्यूज हो गया। पर अगर आप एंगल ए का बात कर रहे हो, एंगल ए का बात कर रहे हो, ये हो गया एंगल ए, एंगल ए के जो ऑपोजिट में है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो बीसी हुआ परपेंडिकुलर, और कौन सा बचा, जहां पे ये एंगल गिर रहा है यहां से यहां उसको बोलेंगे बेस। क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कि जिस एंगल को आप बात कर रहे हो उसका ऑपोजिट में जो साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको जो जहां पे ये एंगल गिर रहा है उसको बेस बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, और फाइनली टू रैप अप थिंग्स, आपको ये थ्योरम याद रखना पड़ेगा जो बोलता है कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, इसको बोलते हैं पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आज का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एपिसोड है, हम उसको छोटा रखना चाहते हैं ताकि आप लोग इजीली उसको अच्छे से कर सको। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। ठीक है, टिल देन बी सेफ एंड बी जॉयफुल। ठीक है, टिल देन सी यू, बाय बाय। Boom.